है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो मैंने सिंटेक्स का 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रूल बताया गया है, वो आप लोग पहले देख लेना, फिर उसके बाद सिंटेक्स का लेक्चर 3 आप लोग देखना, तब आपको अच्छे से पूरी तरीके से सिंटेक्स आपको आ जाएगा, फिर मैं एरर करा दूंगा, फिर सिंटेक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर रूल क्या कहता है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। बस मैं जहाँ जहाँ फोकस करके बता रहा हूँ आप वहीं देखना, बाकी सबको तेल लेने दो, उस सबसे हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर रूल हमारा यही कहता है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ही बता दिया आपको। तो एग्जांपल है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीजिंग। देखो यहाँ अ नंबर ऑफ हुआ, यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ और आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ, ठीक है। उसी तरीका से आप लोग यहाँ देखो अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स हमारा प्लूरल नाउन हुआ और ये हमारा प्लूरल वर्ब हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट क्या कहा जाता है, नेक्स्ट नोट है कि द नंबर ऑफ के बाद, ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद आप लोग हिंदी में भी लिख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, इससे आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल में क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ आपका, प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है। इज क्या हो गया आपका, सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर रूल है, थर्ड नंबर रूल क्या कहता है, सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ एंड द रेस्ट, दिस वर्ड आर यूज टू द, इन सभी वर्ड के बाद, यहाँ पे आप लोग देखो सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ, इन सभी के बाद आपका अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल नाउन आता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर नाउन आता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब होगा। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, इन सब वर्ड को आप लोग याद कर लेना, बाकी ये सब ये रूल तो इजी है। इन सब के बाद प्लूरल नाउन, ये प्लूरल सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उस हिसाब से आप लोग लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखो, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ द लैंड वाज प्लाउटेड, ठीक है। तो हाफ ऑफ आया, उसके बाद क्या आया, लैंड आया। लैंड आपका क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताना मच के साथ क्या क्या आता है, ठीक है। मच के साथ MUCH, मच के साथ डैश प्लस डैश क्या आता है, आपका ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मच के साथ क्या 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 लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे लग गया। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है फाइव, फाइव कम्स आफ्टर फोर, ठीक है। तो फाइव हुआ आपका, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। फाइव एक क्या हुआ आपका, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, फाइव कम्स आफ्टर फोर, तो इसमें सिंगुलर लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गया। फिर उसके बाद क्या लगा, टू एंड फोर इज सिक्स, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि ऑल, एवरीथिंग सिंगुलर वर्ब, ऑल, एवरीबॉडी प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, ऑल इज़ रेडी फॉर डिनर, ऑल इज़ रेडी फॉर डिनर, तो यानी कि सिंगुलर वर्ब, यानी कि सबके बारे में बोल रहा, तो यहाँ सिंगुलर लग गया। ऑल इज़ एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अगर आएगा तो प्लूरल वर्ब उसके साथ लगाए, तो ऑल आर रेडी फॉर डिनर, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया। चलिए उम्मीद कर रहा होगा आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक मारो।
नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक मारो। तो चलिए नेक्स्ट नंबर रूल क्या कहता है हमारा, देयर अगर कभी भी सब्जेक्ट बन जाए, देयर कभी भी सब्जेक्ट बन जाए तो हम वर्ब जो है वो फर्दर नाउन यानी कि बाद वाला जो नाउन होगा उस हिसाब से हम लोग रखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, आप बस हिंदी में लिख लेना या फिर हो सके तो इंग्लिश में लिख लेना कि देयर कभी भी सब्जेक्ट रूप ले ले तो नाउन जो है हम बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखो, देयर इज़ अ बॉय इन द क्लास, यहाँ पे देयर जो है वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अ बॉय एक लड़का इस क्लास में है। ठीक है, तो एक लड़का यहाँ पे है तो एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे सिंगुलर लग गया। देयर आर बॉयज़ इन द क्लास, देखो यहाँ पे बॉयज़ क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया तो हमारा नाउन जो है वो प्लूरल बन रहा है, तो प्लूरल के अनुसार यहाँ पे तो वही लिखा गया, फर्दर नाउन के अनुसार ही हम लोग वर्ब रखेंगे, तो वर्ब यहाँ पे आर बन गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो ज़रूर बताना, नहीं आया तो फिर भी बताना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए कहता है नाउन आफ्टर सेम नाउन देन वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, नाउन आफ्टर सेम नाउन अगर हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख लो, डे आफ्टर डे हैज़ पासड, नाउन आफ्टर नाउन आ गया ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ था नाउन आफ्टर नाउन, तो यहाँ पे भी डे आफ्टर डे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लिए, यहाँ पे हैज़ हो गया। देखिए चलिए फिर से यहाँ पे, मैन आफ्टर मैन, मैन नाउन आफ्टर मैन नाउन, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लिए। यानी कि आपको जहाँ भी दिखे कि नाउन आफ्टर नाउन है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आप लोग लगाना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी मुझे मैथमेटिक्स का याद आ गया, सो सॉरी। तो नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल कहता है जब दो सब्जेक्ट ज्वाइंट हो अलॉन्ग विथ के साथ, टुगेदर विथ के साथ, रादर देन, लाइक अनलाइक, इंट्रोड्यूस, कंट्रोल्ड बाय, गाइडेड बाय, गवर्नेड बाय, देन वी यूज़ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब किसके अनुसार हम रखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू बी है, विथ हो गया, ये सब के साथ हम क्या रखेंगे, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। तो देखिए, द टैक्सी अलॉन्ग विथ इट्स पैसेंजर इज़ ट्रैकलेस, यहाँ पे इज़ लगेगा या फिर आर लगेगा, तो द टैक्सी अलॉन्ग विथ आ गया, क्या कहा गया था, दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइंट हो इतने 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 से तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रखेंगे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, द टैक्सी है, तो द टैक्सी के अनुसार हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो एक बार प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, वेन अ थिंग हैव टू पार्ट देन वी यूज़ प्लूरल वर्ब, ये तो आपका इजी आप लोग को याद होगा, जब हम किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखो ट्राउज़र हमारा क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज़ करेंगे, ग्लास भी, पार्ट भी, स्पेक्टल्स भी, बाइनोकुलर भी, टंग भी, शूज़ भी, ये सब हमारा क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होने वाला थिंग है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी मैंने बताया, योर शूज़ आर डर्टी, तो योर शूज़, शूज़ हमारा क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसके साथ आर लगा दिए। योर स्पेक्टल्स हैव ब्रोकेन, तुम्हारा चश्मा टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, हैव लगा दिए, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, हैव लगा दिए। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, अ पेयर ऑफ दिस वर्ड देन वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, अ पेयर ऑफ के साथ किसी भी वर्ड को लगा देने पर वो सिंगुलर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो देखो अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ न्यू, शूज़ हमारा क्या था, दो पार्ट में डिवाइड होने वाला था और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, तो लेकिन हम वो प्लूरल वर्ब को हटाने के लिए अ पेयर ऑफ लगा दिए, अ पेयर ऑफ लगा देने से वो सिंगुलर के जैसा बिहेव करता है, तो अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ न्यू हो गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा आप लोगों को।
ए या एन प्लस कोलेक्टिव नाउन, वी यूज़ प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जब ए और एन हो और कोलेक्टिव फ्रेज हो तो उसके साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लो, अ टीम ऑफ प्लेयर, ये कोलेक्टिव फ्रेज है आपका। आप लोग को नाउन और प्रोनाउन ये सब में मैं सॉरी नाउन में आपको मैं बताऊँगा, कोलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, कोलेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम, तो प्लूरल नाउन क्या हुआ यहाँ पे, प्लेयर्स हुआ, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हुआ, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दिए, ठीक है। उसी तरीका से रूल जैसे बोल रहा है वैसे कर लेंगे। आप लोग हिंदी में लिख लेना कि ए या एन हो और कोलेक्टिव फ्रेज हो, तब उसके साथ हम लोग प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल क्या था हमारा, एवरी वन सम वन नो वन एनी वन एवरीबडी सम बडी नो बडी एनी बडी एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनी थिंग दिस टाइप ऑफ इन विच यूज्ड सिंगुलर वर्ब। ये सब जितने भी हैं इन सब के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, नो वन हैज़ डन दिस वर्क, नो वन आया उसके बाद सिंगुलर आया। Everybody is ready for game. Everybody आया उसके बाद सिंगुलर आया। Something is wrong. Something आया उसके बाद सिंगुलर वर्ब आया। तो चलिए अब मैं आपको कल जो है मैं एरर करवाऊंगा जो, सो आप लोग पहले रूल को रिवीजन कर लेना, उसके बाद आप लोग को मैं एरर कराऊंगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि लेक्चर के बाद कुछ प्रैक्टिस भी हो जाना चाहिए, तभी तो लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज आपका सिंटेक्स का रूल ख़त्म होता है, तो आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, घर पे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।